हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सियामी से दिखने वाली रोज़ आइसक्रीम की रेसिपी। तो चलिए देखते हैं हमने इसको कैसे बनाया है। तो दोस्तों, आइसक्रीम बेस बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पे 500 ml मिल्क, और ये फुल क्रीम मिल्क है जिसको कि मैं अभी एक बॉयल दिलवा रही हूँ। वैसे ये बॉयल्ड मिल्क है लेकिन फिर भी मैं एक बॉयल दिलवा रही हूँ। और ये 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लावर है, आप चाहें तो कस्टर्ड पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। और 4 चम्मच के करीब चीनी है, वनीला एसेंस है। आइसक्रीम बेस बनाने के लिए इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। ये जो कॉर्नफ्लावर है इसमें मैं थोड़ा सा चिल्ड मिल्क डालकर इसको घोल लूँगी और कोई लम्स ना रहें। ये आधी कटोरी के करीब दूध में मैंने कॉर्नफ्लावर को घोल लिया है। ये अभी हम ऐड करेंगे मिल्क में। मिल्क में आ गया है बॉयल, और अब ये जो शुगर है ये इसमें ऐड कर देंगे और शुगर को अच्छे से घुलने तक पकाएंगे। तो शुगर घुल चुकी है और मैंने इसको 5 मिनट के करीब थोड़ा सा थिक होने के लिए ऐसे ही मतलब स्लो करके गैस को इसको थिक कर लिया है। और अब मैं इसमें जो हमने कॉर्नफ्लावर की स्लरी बनाई है वो ऐड करूंगी और इसको कुक करेंगे। और अब इसको कंटिन्यू चलाते हुए पकाएंगे। अब आप रोकेंगे नहीं, क्योंकि अगर आपने छोड़ दिया तो कॉर्नफ्लावर नीचे स्टिक हो जाएगा। तो ऐसा ना हो तो इसके लिए अब आपको कंटिन्यू चलाते हुए इसे 2.5 से 3 मिनट के लिए कुक करना होगा। तो 2.5 मिनट के करीब हो गया इसको कुक करते हुए। और अब इस टाइम पर मैं इसमें कुछ ड्रॉप्स वनीला एसेंस की ऐड कर रही हूँ। इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। और ये देखिए, ये बस इतना ही थिक चाहिए हमें, इससे ज्यादा थिक नहीं चाहिए। कहीं आप ऐसा करें कि ये ठीक नहीं हो रहा और इसमें ढेर सारा कॉर्नफ्लावर डाल दें, ऐसा नहीं करना। बस हल्का सा ठीक करना था मिल्क को, जो कि हम कर चुके हैं। और अब इस टाइम पे गैस को कर देंगे ऑफ और इसको हिला हिला कर ठंडा करेंगे ताकि इस पर ये जो लेयर आ जाती है वो ना आए। और देखिए, जैसे जैसे ये ठंडा होगा ना ये ठीक होता जाएगा। अभी तो ये थोड़ा गर्म है ज़्यादा, और थोड़ा और ठंडा होने के बाद ये थोड़ा और ठीक हो जाएगा। तो बस इसी तरीके से इसको करेंगे ठंडा। तो दोस्तों, अभी बिल्कुल ठंडा हो चुका है और अब मैं इसको एक बाउल में निकाल के आधे घंटे के लिए फ्रीजर में रख रही हूँ। नीचे दोस्तों, आइसक्रीम बेस हमारा एकदम चिल्ड हो चुका है, ऐसा ही चाहिए था। और यहाँ पर मैंने लिया है कंडेंस मिल्क और फ्रेश क्रीम, ये भी चिल्ड है, कंडेंस मिल्क भी चिल्ड है। अब हम इनको मिक्सी में डालेंगे और चर्न करेंगे। यहाँ पर हमने जो सबसे पहले आइसक्रीम बेस बनाया था उसको मिक्सी में डाल लिया है, और अब मैं इसको एक बार चर्न कर रही हूँ। मैंने इसको 1 मिनट के करीब चर्न कर लिया और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कंडेंस मिल्क। और इसको भी चर्न कर लेंगे। सबसे लास्ट में ये जो हमारी चिल्ड क्रीम है ये भी इसमें ऐड करेंगे। इसमें क्रीम डाल ली है और अब मैं इसमें बस चर्न करने से पहले रोज एसेंस और थोड़ा सा रेड फूड कलर ऐड कर रही हूँ। तो बस यहाँ पर मैं थोड़ा सा बस 2-4 बूंदों के करीब ही रोज एसेंस ऐड कर रही हूँ और कुछ ड्रॉप्स रेड फूड कलर की, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि अभी इसमें हमें रोज़ सिरप भी ऐड करना है। और अब मैं इसमें थोड़ा सा रोज़ सिरप, जो आपके पास हो आप वो कर सकते हैं, मेरे पास रूह अफ़ज़ा है, 1 टेबलस्पून के करीब ही ऐड कर रही हूँ। और अब इसको ढक्कन लगा के 1 से 1.5 मिनट के लिए चर्न कर लेंगे। ये 1-1.5 मिनट इसको मिक्सी में चर्न करने के बाद इसका कलर देखिए बिल्कुल लाइट, बेबी पिंक लाइट कलर जो होता है वो वाला पिंक कलर, और फ्रॉथ देखिए कितना अच्छा आया है। तो अब ये रेडी है किसी भी कंटेनर में जाने के लिए। लीजिए, अब मैं इसको डाल रही हूँ एक प्लास्टिक के कंटेनर में। ये
मैंने इसको कंटेनर में डाल लिया और देखिए कितना प्यारा कलर आ रहा है इसमें और खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। पहले हमने जब बेस बनाया था तो वनीला एसेंस डाला था और अभी मैंने इसमें डाला है रोज एसेंस और थोड़ा सा रोज सिरप और पिंक कलर। आप कलर डार्क लाइट जैसा आपको पसंद हो आप ऐसा कर सकते हैं और बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। तो अब इसमें स्मेल भी आ गई, टेस्ट भी आ गया, लेकिन रोजेस नहीं आए। रोज आइसक्रीम है और रोज ही नहीं है, तो ऐसे तो बात नहीं बनेगी। तो इसमें हम डालेंगे रोजेस। तो ये है ऑर्गेनिक रोज, जो देसी गुलाब होता है वो वाला छोटा वाला, और उसको मैंने वॉश करके इसका पानी सारा निकाल दिया था और इसको टिश्यू पर सुखा लिया था। अब मैं इसको बारीक बारीक चॉप कर रही हूँ और उसको फिर अपनी आइसक्रीम में मिक्स करेंगे। यहाँ पर मैंने गुलाब की पत्तियों को ऐसे चॉप कर लिया है बारीक, और अब मैं इन पत्तियों को हमारी रोज आइसक्रीम में मिक्स कर रही हूँ। हल्के हाथ से इसको करेंगे मिक्स। लग रही है ना देखने से ही कुछ स्पेशल, एकदम रॉयल सी कोई चीज कि भाई बस मजा आ जाए। जो खाएगा मतलब एक बार तो याद करेगा कि हाँ हमने किसी के घर कुछ खाया था। खुशबू भी और कलर भी देखिए कितना प्यारा है। इसी मैंने इसके ऊपर ऐसे ही गार्निश कर दिया। तो बताइए कैसी लग रही हैं। लग रही हैं ना एकदम से बस देखने में बहुत प्यारी, बहुत मतलब खूबसूरत सी। तो चलिए अब इसको लिड लगाते हैं और इसको 8 से 9 घंटे के लिए रखते हैं फ्रीज़र में। फिर मैं आपको दिखाऊंगी हमारी रोज़ आइसक्रीम कैसी बनके तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स 8 से 10 घंटे हो चुके हैं और आइसक्रीम हमारी जम के एकदम से हो चुकी है तैयार। तो चलिए फटाफट से करते हैं इसको सर्व। तो चलिए दोस्तों अपनी स्पेशल सी आइसक्रीम को करते हैं सर्व। और अब इसको निकालते हैं ग्लास में। बस इस तरीके से जितने चाहे स्कूप आप डाल सकते हैं अपने प्यारे से ग्लास में। और अब मैं इसको थोड़ा सा गार्निश कर रही हूँ, मैं काजू लगा रही हूँ। ये ऑप्शनल है, वैसे तो ये आइसक्रीम ही ऐसी है कि इसमें कुछ भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप चाहें तो लगा सकते हैं। और थोड़ी सी सिल्वर बॉल्स। दोस्तों ये आइसक्रीम ऐसी अगर आपने किसी को एक बार बना के खिला दी ना तो याद करेगा वो भी और आप भी। और रोज़ आइसक्रीम है तो एक रोज़ तो बनता है यार इस पर लगाना। तो अब बताइए कैसी लग रही है आपको ये यम्मी सी आइसक्रीम। दोस्तों मैंने बहुत मेहनत की है इस रेसिपी को बनाने में, तो मैं चाहती हूँ कि आप इस रेसिपी को थोड़ा सा प्यार दें। अगर आपको आज की मेरी रोज़ आइसक्रीम की वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।